तीसरा वीडियो लेकर तो ऐसे जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पांच लोगों के बारे में जिनकी एमिट टोबी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब से हमारे गेम में AWM के साथ साथ एमिट टोबी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, सो गाइस सर एमिट टोबी यूज करने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइस सर एमिट टोबी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड वेपन है, आप लोगों को भी पता ही है, क्योंकि गाइस सर एमिट टोबी ग्लू वॉल के R5 डैमेज दे देती है, और यार इससे ज्यादा अच्छी बात हो ही क्या सकती है हमारे गेम में। सो गाइस, आप लोगों को भी पता है कि AWM यूज करने के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी अगर कोई चीज चाहिए सो वो होती है एक्यूरेसी। बट गाइस, अगर आप लोग को एमिट टोबी अच्छे से चलानी है सो गाइस आप लोग की एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए ही चाहिए, बट गाइस सर उसी के साथ साथ आप लोग की गैसिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि गाइस सर आप लोग को गैस करके शॉट मारने पड़ते कि बंदा किधर पर होगा। सो गाइस, इसलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमिट टोबी लवर्स की, यानी कि गाइस कुछ ऐसे पांच लोगों के बारे में जो कि यार काफी ज्यादा अच्छी एमिट टोबी यूज करते हैं। सो गाइस, वो पांच लोग कौन होने वाले हैं, क्योंकि गाइस वो पूरे वर्ल्ड से होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग को जानना है तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। सो गाइस, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एम हम लोग रखते हैं 10 के लाइक्स का ओनली, आप लोग इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले जिस प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे इंडिया से, और गाइस ये बंदा काफी ज्यादा अच्छी एमिट टोबी चलाता है, और गाइस ये बंदा अपनी एमिट टोबी के बारे में ही जाना जाता है, यानी कि गाइस इस बंदे को जीरो से हीरो एमिट टोबी ने ही बना रखा है। सो गाइस, इससे पहले मैं प्लेयर के बारे में बताऊं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि गाइस आप लोग को AWM ज्यादा पसंद है या तो एमिट टोबी। सो गाइस, अभी हम लोग जिस प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे इंडिया सर्वर से, और गाइस इस बंदे का नाम है नाजीब गेमिंग। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है यार M1887 से वन टैप हेडशॉट मारना और गाइस बाकी किसी गन से भी वन टैप हेडशॉट मारना बहुत ज्यादा इजी होता है, बट गाइस AWM और ME2B से वन टैप हेडशॉट मारना ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और गाइस इस मुश्किल काम को आसान किया था हमारे लॉरेन भाई ने। बट गाइस, अभी हमारे इंडिया में भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि हमारे ME2B से वन टैप हेडशॉट मारता है, और गाइस ये बंदे ने दावा कर रखा है कि गाइस आप लोग इसकी ME2B से बच ही नहीं सकते, क्योंकि गाइस आप लोग इस बंदे का गेम प्ले खुद देख लीजिए यार, कितनी ज्यादा ओपी लेवल की एमिट टोबी चलाता है, और गाइस ये दिन दूर नहीं कि यार हमारे इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का बेस्ट स्नैपिंग प्लेयर हो जाएगा। अभी गाइस ये बंदा खेलता है Poco X3 में, जब गाइस इस बंदे के हाथ में आईफोन लगेगा सो गाइस सोचो कि यार ये बंदा कितनी ज्यादा तबाही मचाएगा, और गाइस मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जब हमारे नाजीब भाई आएंगे ई-स्पोर्ट्स में और गाइस इनको मिलेगा स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड। मुझे पता है गाइस वो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि गाइस स्नाइपिंग में आजकल हमारे इंडिया में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि यार काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दे सकते हैं हमारे नाजीब भाई को, बट गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बंदे में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और गाइस अब हमारे नाजीब भाई कभी भी अंडररेटेड लिस्ट में नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि गाइस हमारे नाजीब भाई को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि गाइस इनके जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे नाजीब भाई को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो जाके इनके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके आना। सो गाइस, हमारे नाजीब भाई के बाद हम लोग जिस प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो एक PC प्लेयर है, इसलिए गाइस मैंने उसको इस लिस्ट में नीचे रखा है। सो गाइस, उस बंदे का नाम होने वाला है, वो बंदा वैसे तो हमारे इंडिया से है, और गाइस मैं लिटरली बता देने वाला हूँ, उस बंदे का गेम प्ले देखने के बाद ही मैंने ME2B और AWM चलाना सीखा है। सो गाइस, उस बंदे का नाम है अंकुश फ्री फायर। सो गाइस, जितने भी अंकुश भाई के फैन हो यार उनके बारे में बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर #AnkushFF लिख देना, क्योंकि गाइस आप लोग को भी पता है कि मैं बहुत सी ऐसी लिस्ट बना चुका हूँ, बट गाइस मैं हर बार अंकुश भाई को कहीं ना कहीं मिस कर देता था, और यार आप में से बहुत से लोग मेरे से बोलते रहते थे कि यार अंकुश भाई को लिस्ट में लेके आओ, अंकुश भाई को लिस्ट में लेके आओ। सो गाइस, अगर आज मैं लेके आ रखा हूँ तो गाइस मुझे दिखा दो कि यार आप लोग उनको कितना प्यार करते हो। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे अंकुश भाई हमेशा से एक कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहते थे, वो कभी भी एक ई-स्पोर्ट प्लेयर नहीं बनना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि यार वो ई-स्पोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि गाइस जैसे कि टोटल गेमिंग यानी कि हमारे अज्जू भाई की एक ई-स्पोर्ट की टीम है, वैसे हमारे अंकुश भाई की भी एक खुद की ई-स्पोर्ट की टीम है जिसका नाम है AFF, भले वो उस टीम में नहीं हो लेकिन गाइस उस टीम को लीड करते मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त और यार मेरे भाई जैसे त्यागी जी। सो गाइस, उनका नाम है AFF त्यागी, और गाइस अगर आप लोग हमारे
हमारे FFIC देख रहे होगे, सो गाइस यार आप लोगों ने हमारे AFF की टीम भी देखी ही होगी। सो गाइस मुझे पता है कि यार अभी हमारी AFF की टीम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, बट गाइस अगर हम लोग उनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे सो गाइस सर वो एक दिन जरूर मचाएंगे। सो गाइस अगर आप लोग भी हमारे अंकुश भाई के फैन हो या तो आप लोग भी हमारे FFIC में अगर AFF को सपोर्ट कर रहे हो तो गाइस सर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है #AFF। सो गाइस हमारे अंकुश भाई के बाद अब हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे अंकुश भाई की ओनली इंस्पिरेशन, यानी कि गाइस हमारे अंकुश भाई ज्यादा लोगों को अपनी इंस्पिरेशन नहीं मानते, बट गाइस इस बंदे को अपनी इंस्पिरेशन वो जरूर मानते हैं। और गाइस इस बंदे का नाम होने वाला है बॉर्न टू किल। सो गाइस आप लोग को भी पता ही होगा अगर आप लोग हमारे अंकुश भाई के फैन होंगे, और गाइस अगर आप लोग हमारे बॉर्न टू किल भाई के फैन होंगे सो गाइस आप लोग उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज देख सकते हो, क्योंकि गाइस उनका मोंटेजेस, उनका थंबनेल, बहुत सी चीजें यार सेम होती है, मतलब गाइस आप लोग कुछ भी चीज उसमें देख लो। लेकिन गाइस फिलहाल अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉर्न टू किल के बारे में, और गाइस सर आप लोग को भी पता है कि यार बॉर्न टू किल आज से नहीं, आज से 3 साल पहले भी AWM किंग के नाम से मशहूर थे, यानी कि गाइस सर इनकी जैसी स्ट्राइविंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और गाइस आप लोग को भी पता है हमारे बॉर्न टू किल भाई ज्यादा हेडशॉट मारने में यकीन नहीं करते, उसको भी हमारे अंकुश भाई की तरह आदत है, यानी कि गाइस हमारे बॉर्न टू किल और हमारे अंकुश भाई में ये सिमिलरिटी और भी है कि गाइस वो चाहते कि यार बंदे को जल्द से जल्द मार दिया जाए, यानी कि गाइस वो कभी भी वन टाइम हेडशॉट के लिए नहीं जाते, तो कोई बात नहीं बॉडी शॉट से भी हम लोग खत्म कर देंगे। सो गाइस हमारे अंकुश भाई और हमारे बॉर्न टू किल भाई दोनों फुल मैप का गेम प्ले डालते हैं, कभी भी कस्टम रूम का गेम प्ले नहीं डालते। सो गाइस अगर आप लोग भी हमारे बॉर्न टू किल भाई के फैन हो यार आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर #P2K लिखकर इनको सपोर्ट कर देना है। सो गाइस मैंने बॉर्न टू किल भाई को इस लिस्ट में इतने नीचे इसलिए रख रखा है क्योंकि गाइस वैसे तो हमें पता है कि यार ये बंदा लेजेंड है, इसको मैंने इस लिस्ट में इसलिए नीचे रखा है क्योंकि गाइस हमारे बॉर्न टू किल भाई के बाद जो भी प्लेयर आने वाले वो सारे के सारे मोबाइल प्लेयर्स होने वाले हैं, और गाइस मैं मोबाइल प्लेयर को रिस्पेक्ट देता हूं, आप लोगों को भी पता है और यार आप लोग को भी देनी चाहिए। सो गाइस अभी हमारे बॉर्न टू किल भाई के बाद हम लोग जिस प्लेयर के ऊपर बढ़ने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे इंडिया से, और गाइस ये बंदा काफी ज्यादा अच्छी ML2 भी चलाता है, इतनी ज्यादा अच्छी ML2 भी चलाते कि गाइस यार इस चीज के लिए कंट्रोवर्सी में तक आ गया था, क्योंकि गाइस ये बंदे को मिल रखा है स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सो गाइस अभी आप लोग पहचान ही गए होंगे कि यार अभी हम लोग किस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं, इस बंदे का नाम है पहाड़ी गेमिंग। सो गाइस अगर आप लोग हमारे पहाड़ी गेमिंग को नहीं जानते सो गाइस सर आप लोग AWM और ML2B को भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि गाइस सर हमारे पहाड़ी भाई इतनी ज्यादा अच्छी ML2B चलाते हैं, इतनी ज्यादा अच्छी AWM चलाते हैं, तो गाइस सर बहुत से बंदे ये मानते हैं कि हमारे पहाड़ी भाई AWM और ML2B के अलावा कोई भी गन अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट गाइस ये एक गलत चीज सोचते हैं, जो भी ये चीज सोचते हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि गाइस सर जितने भी पहाड़ी भाई के फैन हो या तो जितने भी हमारे पहाड़ी भाई को फॉलो करते आ रहे हो सो गाइस आप लोग को भी पता है हमारे पहाड़ी भाई ने हमको M1887 शॉटगन MP40 हर एक चीज को यूज करके उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई है, इवन AWM और ML2B की भी। सो गाइस हमारे पहाड़ी भाई वैसे तो जितना ज्यादा गेम में खोए रहते हैं उतना हमारे इंडिया में कोई भी नहीं खोया रहता, मतलब गाइस पहाड़ी भाई हमारे इंडिया में बहुत सी नई नई चीजें लेके आते हैं, बहुत सी नई इन्वेंशन लेके आते हैं, और गाइस जितने बार हमारे पहाड़ी भाई ने कस्टम HUD चेंज किया होगा ना शायद ये बंदे तो इतने बार गेम तक नहीं खेलते होंगे। सो गाइस जितने भी हमारे पहाड़ी भाई के फैन हो यार एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर पहाड़ी गेमर लिखकर इनको जरूर से सपोर्ट कर देना। सो गाइस हमारे पहाड़ी भाई के बाद अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो कि यार इस लिस्ट में तो नहीं है, बट गाइस ये बंदे को शाउट आउट मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस ये बंदा पिछले तीन सीजन से लगातार ग्लोबल में जा रहा है, ग्रैंड मास्टर में जा रहा है, बट गाइस ये बंदे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और यार इस बार ये बंदा हमारी गिल्ड यानी कि सिनर्जी ईस्पोर्ट्स में आ रहा है, सो गाइस ये बंदे को सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी ये बंदा ग्लोबल में नंबर 1 पे है, रीजन में नंबर 1 पे है, सो गाइस इस बंदे का नाम है HR Dream YT। सो गाइस अगर आप लोग इस भाई को नहीं जानते तो गाइस सर आप लोग को YouTube पे जाके सर्च करना है HR Dream YT, और गाइस सर हमारे HR Dream YT को जाके जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और गाइस सर उनकी किसी भी वीडियो में जाकर लिख देना लव फ्रॉम लूफी OP। सो गाइस
अभी हमारे आखिरी बंदे यानी कि इस इसके नंबर वन प्लेयर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो कैसे वैसे तो आप लोग इस बंदे को पहचान ही गए होंगे कि यार ये बंदा होने वाला है कोई और नहीं यानी कि हमारा लॉरेम। सो गाइस लॉरेम भाई के बारे में मैंने इतनी ज्यादा तारीफ ऑलरेडी कर रखी है तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ अगर कोई चीज इम्पॉसिबल होती है और वो इम्पॉसिबल को कोई बंदा पॉसिबल बना सकता है तो वो है हमारा लॉरेम भाई। सो गाइस अगर आप लोग हमारे लॉरेम भाई के फैन हो तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर #lorem लिखकर इनको सपोर्ट कर देना है। सो गाइस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।